तो फाइनल बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है इस गाड़ी को, और काफी लोगों को लग रहा था कि यही है वो गाड़ी। देख लो गाइस अलग अलग है, ये बस आपके पैसे लेने आता है कुनाली, ये बस आपके पैसे लेने जाता है और कुछ नहीं। क्या सपना चल रहा है, क्या सपना है? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं, फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज जाना है दिल्ली नितेश भाई की शादी में, और हम चारों भाई जा रहे हैं और साथ में मम्मी पापा चाची भी जा रहे हैं, तो फुल मजा आने वाला है। तो जल्दी से नहाता हूँ, बट लेट करेंगे भाई, 5 बजे निकलने का प्लान था, देख लेना मैं तो रेडी हो जाऊंगा 5 बजे तक, बट बाकी सब लेट करेंगे। और हाँ, हम दो गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक फॉर्चुनर और एक सुपर कार, सुपर कार में कुछ काम कराना था। तो गाइस मैं तो मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और कुनाली देखो अभी उठा है, पीयूष भी अभी उठा है। नहाएगा नहीं क्या? रात को नहाएगा। आपका मन है जाने का? क्यों? मम्मी ले आ रही है। मम्मी ले आ रही है। घर में रह लोगे, अकेले रह लोगे घर में? हाँ। क्या करोगे? फोन चलाऊंगा। और टीवी? अकेले? हाँ। खाना कौन बना के देगा आपको? हाँ। खाना कौन बना के देगा? पापा जी। गाइस कुनाली का तो बिल्कुल मन नहीं आने का, बिल्कुल उल्टी होती है ना, बट कोई बात नहीं, चारों भाई जाएंगे तो मस्त नाचेंगे वहाँ पे, फुल मस्ती करेंगे। शादी तो कल है ना, आज है हल्दी और मेहंदी, इसलिए मुझे 12-1 बजे तक पहुंचना है जल्दी से। वैसे मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं बिकॉज मैं 2 घंटे सोया हूँ, मैं 2 बजे सोया था, 4 बजे उठ भी गया। चलना शादी में? मम्मी जी भी रेडी, तो फिलहाल तिलक करते हैं जाने से पहले। मेरे साथ सुपर कार में कौन चल रहा है? चलो पीयूष और मैं पहले निकलते हैं सुपर कार लेके, बाकी मम्मी चाची और साहिल आ जाएंगे, साहिल बाद में। चलो भाई पीयूष और मैं तो निकल गए सुबह 5 बजे, बाकी सब आ जाएंगे, अभी उनको टाइम लगेगा। तो अभी रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, और अभी उजाला भी होने वाला है बस। अरे मम्मी लोग तो भाई बहुत पीछे हैं, बहुत हमसे। तो गाइस पहुंच गए द ड्रीम टॉयज, और टाइम देखो भाई 9 बज रहे हैं, 4 घंटे लगे ना, हम 4 घंटे में हल्द्वानी से यहाँ पहुंच गए हैं, और अभी शोरूम पर भी कोई नहीं आया भाई, हम पहले आ गए। और गाइस ये देखो, ये रही अपनी ब्लैक वाली पोर्स, तो ये वाली है, अगर आपको खरीदनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये ब्लैक वाली, हमने तो येलो ले ली भाई, ये मेरे नाम पे ही होगी अभी। तो अब गाइस आ गए ब्रेकफास्ट के लिए सुबह, तिलक लगवाएंगे आपको। तो आ जाए हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे, ये यहाँ की वेलकम ड्रिंक, रसम और पापड़। तो गाइस मस्त छोले भटूरे आ चुके हैं, तो खाते हैं मस्त। खा लेगा पूरे? खा लेगा दो? गाइस कमेंट कर बताना कौन सा कलर आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। गाइस देखो वैसे तो ये भी बहुत मस्त लगती थी, एकदम मस्त चमक रही है देखो ब्लैक। तुझे कौन सी बढ़िया लगी? पीयूष को तो अभी ब्लैक ही अच्छी लगती है। तो फाइनल बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है इस गाड़ी को, और काफी लोगों को लग रहा था कि यही है वो गाड़ी, देख लो गाइस अलग अलग हैं, ये वाली GH नंबर है, ये DL नंबर है। भैया ब्लैक वाले को देख के ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं करनी चाहिए थी। अब अपना सामान निकाल लेते हैं और चलते हैं सीधा। तो अब जा रहे हैं सीधा दिल्ली वाले घर पे, मम्मी पापा सब पहुंच चुके हैं वहीं पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने दिल्ली वाले घर पे, मम्मी और चाची यहाँ पे रेडी हो रहे हैं हल्दी के लिए। अरे वाह भाई कुनाली भी मस्त रेडी हो गया हल्दी के कपड़ों में, येलो येलो। इसकी शक्ल में मत जाना गाइस, इसकी शक्ल में मत जाना, ये जो शरीफ बच्चा लग रहा है ये शरीफ नहीं है, ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है गाइस। तो अभी जाने से पहले हमारी चल रही है ब्रेड पकौड़ा पार्टी, मैंने मंगाए थे गाइस। वैसे मेरे को भी हल्दी के लिए ये येलो वाला कुर्ता डालना था, बट मैंने अभी डाला, और इतना ज्यादा ठंड लग रही है ना, अगर इसके ऊपर जैकेट डालूंगा तो अजीब लगेगा, इसलिए फिर मैंने यही कपड़े दोबारा डाल लिए। साहिल भी ऐसे जा रहा है, पीयूष भी ऐसे जा रहा है, बस मम्मी और चाची ने डाले हैं। तो अब चलते हैं सीधा। तो गाइस पहुंच गए लोकेशन पे, सामने देखो दुल्हे राजा, बधाई हो बधाई हो। गाइस हम इतने सारे लोग आ गए देखो हल्दी में। कौन से फ्लोर पे रहते हो? 19 पे रहते हो? मम्मी जी आप रह सकते हो ऐसे 19 फ्लोर पे रह सकते हो? गाइस मम्मी को पसंद नहीं है ऐसे बिल्डिंग में रहना। आते ही खाने पे टूट पड़े सभी के सभी, सबसे पहले गोलगप्पे, मैं तीखा पानी देना, पकड़े पकड़े पकड़े। पहले अच्छे से खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे मस्त डांस, ठीक है कुनाली? गाइस कुनाली फुल बोर हो रहा है, सोच रहा है घर पे होता तो मस्त टीवी देखता, फोन चलाता। ये सोच रहे हो ना? पक्का ये सोच रहे हो? गाइस सोसाइटी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मेरे पीछे देखो भाई कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, यहाँ से कूदो तैरते 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 पूरा वहाँ तक। गाइस इन बिल्डिंग्स में ना हमारे सब्सक्राइबर भी रहते होंगे, बट उनको पता नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी बता दो तो भाई यहाँ पे आ जाते मिलने के लिए। देखो चारों तरफ बिल्डिंग है ना, अभी आप में से कुछ लोग इन घरों के अंदर बैठ के मेरा ये ब्लॉग देख लोगे तो देख लो, आप क्या पता वहाँ बैठे हो, क्या पता वहाँ बैठे हो, क्या पता वहाँ बैठे हो, वहाँ बैठ के देख रहे हो। मैं यहाँ से जा चुका हूँ जब मेरा ब्लॉग आएगा, तो सॉरी गाइस अगर मैंने बताया तो यहाँ मीटअप हो जाएगा खतरनाक वाला, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे घर हैं, हजारों घर हैं यहाँ पे। गाइस कुनाली को यहाँ पे 100 रुपए मिले हैं, पीयूष उसको मना रहा है छीनने के लिए। कुनाली मानना मत मानना मत, ये बस आपके पैसे लेने जाता है कुनाली, ये बस आपके पैसे लेने जाता है और कुछ नहीं। कुनाली ये बस आपको मना रहा है पैसे लेने के लिए, ये देखो ये देखो ये ले।
बेचारे बच्चे के साथ में हमेशा ऐसी होता है, जो जब भी पैसे मिलते हैं कुनाली एक काम करो इनको मत दो मेरे को दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप खो जाएगा कुनाली आपसे, मेरे को दे दो खो जाएंगे, ये दोनों ले लेंगे आपसे, ये दोनों ले लेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो थैंक यू कुनाली, थैंक यू। नहीं नहीं कुनाली मिलेंगे मिलेंगे कुनाली। गाइस यहाँ पे तो प्लेइंग एरिया भी है, मस्त झूले वूले लगे हुए बच्चों के लिए। और ये देखो कुनाली को ये क्या कर दिया दूल्हे के साथ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पू इन कोरिया को लेने के लिए, वो सीधा कोरिया से आई है शादी के लिए, भाई स्पेशली शादी के लिए सीधा कोरिया से। अच्छा दोस्त बन गया पू इन कोरिया आ चुकी है कोरिया से, स्पेशली कोरिया से आई हूँ। और हम लास्ट टाइम कब मिले थे, कोरिया में मिले, कोरिया में मिले थे। हाँ एक्साइटेड शादी के लिए बात, ये मेरी पहली इंडियन वेडिंग देखी। अरे हाँ ये पू की पहली इंडियन वेडिंग है जो ये देखेगी खुद, मतलब आज तक कभी लाइफ में कभी शादी नहीं देखी है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट, पहले क्यों नहीं देखी कभी, क्योंकि हमेशा हम बाहर इटली में ही। अच्छा पहले इटली में रहती थी, उसके बाद में फिर साउथ कोरिया शिफ्ट हो गई। पता है सेकंड शादी किसकी मैं देखने वाली हूँ? आपकी। अबे यार लेकिन शादी कर लो, वो बच्चे आ गए। क्या सपना चल रहा है, क्या सपना है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मम्मी देख, आप नहीं देखते? मैं भी देखता हूँ, दोनों पूरी फैमिली देखती है। मैं डेली फ्री टाइम में आपका ही व्लॉग देखता हूँ। हाँ मैं भी। क्या हो गया क्या हो गया, ये क्या सपना है? फेक क्यों? अच्छा ठीक है, हाथ में यही रहते हो, सोसाइटी में रहते हो? नहीं नहीं मैं तो अपने दोस्त के साइड में आया हूँ। यहाँ पे शादी में आया हूँ, शादी में शादी में। कितने छोटे लगते हो वीडियो में, इतने लंबे हो। अभी हुआ है? अच्छा अभी मतलब 5 मिनट पहले। हाँ कटोरे का अब आओ कब करो। तो गाइस अब करते हैं डिनर। तो गाइस अब मेहंदी सेरेमनी भी शुरू हो चुकी है, तो मम्मी और चाची मस्त मेहंदी लगवा रहे हैं, देखो ये देखो। तो गाइस फाइनली मेहंदी और हल्दी हो चुकी है, अब जा रहे हैं अपने अपने घर पे और कल जाएंगे मस्त शादी में। पूने मेहंदी भी लगा ली। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शादी में। ओके बाय। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही बिस्तर लगा दिया मस्त, बिकॉज तो अभी थक गए भाई। और ये देखो भाई कुनाली आगे मैं ही खा रहा है। वहां नहीं खाया आपने खाना? नहीं। क्यों? चाउमीन खाई थी। तो वहां पे खाना क्यों नहीं खाया? पनीर की सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे, वो क्यों नहीं खाया? ये देखो भाई पार्टी से आने के बाद भी मैगी खा रहा है ये। तो फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग, और इस व्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। भाई मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बिकॉज 7 घंटे मैंने ड्राइव भी किया है, फुल डांस भी किया है। तो कल है मेन शादी, तो कल और डांस करेंगे। फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय ले अब पकड़ो। क्या 100 रुपए का कुनाली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा बिजनेस खोलेंगे, बड़ा धंधा खोलेंगे।